कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेमक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेवं देवं कल्याणूर्मर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णवंदे जगद्गुरु कृष्णवंदे जगद्गुरु श्री कृष्ण शरण मम श्री कृष्ण शरण मम श्री कृष्ण गीता के पैरोकार अहोभाग्यशाली विचारशील धर्म प्रिय मेरे भाइयों तथा बुजुर्गों, निराली ढंग से ही हम प्रसंग को लिया चाहते हैं। भगवान जी की हम सब पर बड़ी कृपा है, उन्होंने हमें आस्तिक और श्रद्धालु घराना दिया, बहुत कृपा है प्रभु की, उन्होंने हमें अच्छा शरीर दिया, उस पे और बड़ी कृपा कि हमें अच्छी बुद्धि दी जिससे हम आसानी से पढ़ते चले गए। फिर भगवान की विशेष कृपा जो उस अच्छी बुद्धि को और भी अच्छा बनाने के लिए हमें अपना दिव्य प्रेम दिया, विवेक बख्शा, ये उनकी बहुत कृपा है। विवेक और प्रेम भगवान का ये नियम है कि पन्नों से नहीं मिलता, बाजारों से नहीं मिलता, खेती इसकी नहीं उगती, ये सत्संग से मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, और ये सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान विशेष कृपा करते गए तब ऐसे समागम मुझे और आपको मिलता है। गोसाई जी ने तो प्रेम के अश्रु बहा दिए, बड़ा उनका मन नरम था। यूं फरमाते हुए सुप्त दारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी रोए। सब मेरे सुंदर सुंदर लाल का पुत्र, दारा मेरी बहुत अच्छी पत्नी, और लक्ष्मी का सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ रोए। ये बड़े मुश्किल है सत्संग, और ये हरि कथा तो नहीं है, वो तो रामायण के लिए कह रही है, ये तो हरि की वाणी है। हरि कथा कुछ और होती है, हरि की वाणी कुछ और, ये तो प्रभु की बड़ी कृपा जिन्होंने हमें विवेक और ये सत्संग वर्ष किया, बहुत है प्रभु की बड़ी कृपा। कभी भी हम भगवान का ये उपकार न उतार पाएंगे। आइए आगे बढ़े, उसी गुण को और समझें। बड़े आदरवान सत्कार पूर्वक मेरी देवी और सज्जनों, आप उच्च कोटि के भक्तों के दिव्य
गुणों का न केवल वर्णन बल्कि उनको अपनाने के साधन भी सुन पा रहे हैं। चूंकि हम सब कल्याणकामी हैं, दो प्रकार के व्यक्ति मैंने बताए थे, काम कामी जो संसार में आए केवल अपनी कामना पूरी करने के लिए, क्या मतलब गधे बन के आए खच्चर बन के जाएंगे, क्या मतलब इतनी कामनाएं लेके आए गए और इससे भी कई ज्यादा वासनाएं लेके मरेंगे, तो गधे बन के आए खच्चर बन के गए। चूंकि संसार की कामनाएं पूरी होती ही और मर जाती है, जैसे आपने अपनी गुजरती हुई जिंदगी देख ली, कामना तो आपको पूरी हो आप कर लेते हैं लेकिन आगे और ना बढ़ती और बढ़ जाती है, जितनी हमने पहले पूरी की होती है उसे कई गुना और बढ़ जाती है, फिर इंसान को चैन ही नहीं मिलता। एक आप जैसे जीव है जो दिन प्रतिदिन कम होते जाएंगे, ताकि तो घोर कलयुग आएगा, अभी तो देवी देवता उंगली उठा के आकाश के पर्दे को परे करके देखते हैं, इतनी जनता गीता जी सुन रही है और गृहस्थी है, व्यक्ति भी नहीं, सारी जिम्मेवारियों में उलझे हुए हैं और सुनाई जा रही है गीता और प्रेरणा दे रही है भगवान की मुझे और आपको, ऐसा बात ये बड़ी दया भगवान की, बहुत दया, कल्याणकामी कल्याण की चाहना रखने वाली, ये बहुत बड़ी दया। कई सिर्फ मन में रख लेती है लेकिन आगे उसे कार्य अनुमत नहीं कर सकते, एवरीडे लाइफ में उसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ने तो हमें साधन ही बता दिया कि इस तरह इसे कार्य अनुमत किया जा सकता है, ये प्रभु की और कृपा होगी। तो ये एक गुण जिस पर आप विचार कर रहे हैं, फिर विचार करना चाहिए, भगवान के प्यारे का गप व्यथा, व्यथा होती है चिंताएं के लिए, दुख कहिए आप, क्लेश कहिए, फटकर कहिए और बोलू खटपट कहिए, मेरे पास और कुछ है खटपट, इसमें सब कुछ आ गया, मन की खटकन की नहीं होती, मन की खटपट, भगवान के प्यारों को मन की खटपट नहीं देती है, बहुत अच्छी सराहनीय बात हो गई, भगवान के प्यारों के मन की खटपट नहीं होती, फिर क्या होता है एकाग्र मन, एकाग्र मन, एकाग्र मन क्या होगा, प्रशांत मन, प्रशांत मन, हा भक्ति से भरपूर मन, तभी तो प्रशांत रहेगा जब भक्ति होगी, तो भक्ति से भरपूर मन, नहीं नहीं भगवान के दिव्य रस से सराबोर मन, अच्छा भगवान के दिव्य रस से सराबोर, जैसे आप गुलाब जामुन लेती हैं चाशनी में सराबोर होगा, ये विशेष शब्द है सराबोर, या पानी में रुई का खोआ डाल दे और 10 मिनट बाद उठाए तो पानी में वो सराबोर होगा, ओत प्रोत होगा, अच्छा तो आप सजनों और गरीब देवियों का मन क्या होता है, दिव्य रस में सराबोर, अच्छा ये भी भगवान की विशेष कृपा, भगवान के भक्त के मन की खटपट नहीं होती, एक बार तो सुन के हमें बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन आपका अपना तजुर्बा बढ़ता जा रहा है, जिनके मन की खटपट नहीं दूर हुई उन्होंने यह आरंभ बंद कर दिया, सबूत ठीक है नहीं है, तशरीफ ला रहे क्यों, जहां जबर से काम चलता, जबर कब तक कर लेंगे बाबा, उनकी खटपट क्यों नहीं मिली, अपनाया नहीं, सुनने में तो उनको खुशी हुई पर इतने तेज संस्कार नहीं थे जो अपनाने का शौक पैदा होता, इसलिए फिर उनका आने का जो शौक था खत्म हो गया, क्या करेंगे अपनाया तो जाता नहीं, मन तो बेचैन ही रहता है, जाते थे तो भी बेचैन है, नहीं जाते तो भी बेचैन है, फिर क्या करें ना, बंद हमसे अब नहीं जाया जाता, क्योंकि खटपट तो मिटी नहीं थी, शाबाश
तो फिर क्या किया जाए? उनका दिल नहीं किया आने का, शाबाश शाबाश शाबाश। आप भी देखती रहना, अगर अपनाएंगे नहीं मन आपको धोखा दे देगा, नहीं आएगा। एक एक पैर आपका मन में पक्का हो जाएगा। रोज वही तशरीफ ला सकती हैं जो अपना के दिव्य रस ले रहे हैं। अगर दिव्य रस नहीं आ रहा तो आप देखिए आपको कुछ कमी है कि आप अपना नहीं पा रहे। खबरदार, होशियार। अगर भगवान जी की लगातार वाणी सुनने का शौक पैदा हो गया, अपनाने का भी शौक पैदा कीजिए, जीवन में उतारने का भी शौक पैदा करना। अगर ये अवसर गया फिर तो गया, फिर मिलना इस जीवन में मेरे अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार बहुत कठिन है। तो आइए, भगवान जी ने क्या कहा, हमारे जीवन के गाइड फ्रेंड और बेस्ट फिलोसफर क्या कह रहे हैं? गत व्यथा की गुड़ है, मन से खटपट दूर हो जाती है, मन उनका बिल्कुल परेशान हो जाता है। बाबा एक प्रश्न उठता है, बोलिए, भगवान की दिव्य दर्शनों के बाद खटपट जाती है या उससे पहले? उससे पहले। अगर पहले मन की खटपट ना जाए तो मन एकाग्र कैसे होगा? एकाग्र नहीं होगा तो तलीन कौन होगा? हमारे शरीर किसी अग्नि तलीन होना नहीं। फिर भगवान के दिव्य दर्शनों के बाद क्या होता है? दिव्य रस। याद रखना, कहीं बड़ी गलती है क्या, खटपट भगवान के दर्शनों के बाद आएगी? गलत। पहले खटपट जाके मन परेशान होता है, जो इंसान करे ख्वाहिश से जिसके दूर, अवस्था न हो जिसके दिल में फतूर, न उससे खुदी हो न हो मेर से सकूं उसको हासिल है दिल उस तक। इसके बाद भगवान करे जी गए मकामी होता है, भगवान के दिव्य दृष्टियों से पहले ही अवस्था बनती है। मन की खटपट मिटके मन परेशान हो जाता है, मन अपने आप को टिका लेता है, टिका हुआ मन भगवान की दात में तलीन हो जाता है। तो खटपट कैसे मिटी? भगवान जी की वाणी को में श्रद्धा की, फिर अपनाया। वरना तो हमारे मां कुछ कहते उसको श्रद्धा भी नहीं कहती। भगवान की जो बात प्यारी लगे हाँ उनसे अपनाया न जाए उसको श्रद्धा नहीं कहती है, उसे श्रद्धा नहीं कहेंगे। घर में भोजन बना पड़ा है, कोई नहीं बना हुआ, नहीं बाबा बना हुआ भगवान की कसम, नहीं बना हुआ, नहीं बाबा घर में भोजन बना पड़ा है ना, आपकी मर्जी बाबा। वैसे हम सच्चाई से कह रही हैं, और मैं क्या बोलूं, भोजन उसको नहीं कहती जो बना पड़ा है, जैसे चार बनी पड़ी है, जो आप बैठ के प्रेम पूर्वक मां जी को खुश करते हुए सेवन करेंगे और पेट में डाल लेंगे, ये भोजन। यूं तो कह सकते हैं भोजन होटलों पर बहुत बना पड़ा है, तो हमें क्या, अरे हमें क्या, मिठाइयां बहुत बड़ी पड़ी है शानदार, ऐसे मुंह में पानी लाना, इससे हमें क्या, हमारे लिए तो भूख है जब हम खा लें। बचपन से एक घटना सुनता आ रहा हूं, कभी बापू जी सुनाया करते थे, दादाजी, कभी दादी सुनाते थे। क्या गुरुद्वारे के एक भाई थे, अपना पाठ करने के बाद अपने घर जा रहे थे, तो एक गली में से गुजरे तो एक कोई बालक 10-12 साल का आया, भाई जी को प्रणाम करने के बाद कहा, भाई जी मां ने हलवा बनाया है, ऊपर बहुत मेवा भी डाला है, तो मां ने पुत्रा पर महीनों की ध्यान देना, ध्यान देना, और मुझे जो तो तरसाने आया है, मां ने पुत्रा क्यों है महीनों की? भाई जी नहीं, वो तो आपके लिए बनाया है। तो फिर तय फिर क्यों अपने मुंह में पानी ला रहा है? अगर मेरे लिए बना है तो फिर तुझे क्या, और अगर वो तुम्हारे लिए बना तो फिर मैनू की? भोजन माँ ने घर बनाया तो मैनू की? अब माँ के पास बैठ के अगर मैं खा के भूख बिता लू, ये भोजन है। भगवान की वाणी कौन सी जो मेरे मुख में है, मेरे अंतःकरण में है ना, जो गीता जी में है ना, जो आप उसे अपने जीवन में ढाल लीजिए। मुझे बहुत अच्छी बात लगी अपने गुरुदेव महाराज की वाणी, वो
है जो ग्रंथों में आए, वाणी वो जो मैंने अपना दी, भोजन वो जो आपने खा लिया। वाह वाह, ये बातें तो कुछ पता ही नहीं थी, हम तो गुग्गू और बुद्धू बने रहे। बस थोड़ा सा गीता पाली में इसी क्या होगा, थोड़ी सी रामायण पाली में इसी क्या होगा, या जैसे ये गुरुद्वारे में अखंड पाठ कर रहे, इससे ठोस लाभ क्या होगा? कोई भी नहीं उनका सोचता, मतलब में कोई नहीं सोचता। 3 दिनों में सारी रामायण पाठ मारेंगे, सातों कांड पूरे कर मारते, इसी क्या होगा का मतलब, अगर उसमें से थोड़ी सी भी अपना लेते तो बाकी रामायण का लाभ होता। उन्होंने तो एक प्रकार की तरह सारा खत्म ही कर दिया, संपूर्ण कर दिया, इसे कोई मसूल नहीं। और पता नहीं कितनी बार रामायण और अखंड पाठ करके गुरु ग्रंथ साहब संपूर्ण किया जाता है, इसे क्या मसूल, कोई ठोस लाभ नहीं। लाभ वो जो अपना लिया जाए जीवन में, ध्यान दिया जाए, आप इसे कोई गलती ना करना, इस बात को ध्यान में रखना। वाणी अपनाने के लिए होती है, सुन के अपना लिया। अच्छा आयकर क्या बना हुआ है, महाराज जी की मर्जी, कल युग में मत मार दी है, वाणी पढ़ी जाओ बस, फतूर ये हमारे दिमाग में आ गया, वाणी पढ़ने से लाभ होता है। जबकि भगवान कहती है पढ़ने से नहीं करने से लाभ होता है, जो आमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो मेरे उपदेश को अपनाता नहीं वो कुछ का कुछ नहीं बनता, उसको जीवन में डालता नहीं उसका कुछ नहीं बनेगा। शाबाश शाबाश शाबाश, सुनने का पाशाही अर्थ यही बताती है, कोई मान ले जीवन में ढाल ले, सुन सुन अंधे पावे राह, सुनते सुनते अंदर के जो अब अंधे थे वो विवेक या ज्ञान की चक्षु खोल जाते हैं। ध्यान देना मिलती भी हम भी भगवान की वाणी सुन रहे हैं, सुन सुन अंधे, हम चरम चक्षुओं के अंधे नहीं थे, हमारे पास ज्ञान चक्षु नहीं थे। तो अनुभवी जो है गुरु फरमाती है सुन सुन अंधे पावे राह, उनको राह मिल जाती है अंदर की, सुनिए हाथ धोवे असगाह, अगर वो सुनते रहे तो असगाह जो परमात्मा हमारी पहुंच से परे थे होवे हाथ, वो हमारे अनुभव में हो जाएंगे। भाइयों को अर्थिंग लगाना था, किसी भाई से पूछना मेरे बेटे कि महाराज जी ने ये कटपुटी की वाणी कही, सुन सुन अंधे पावे राह, सुनिए हाथ होवे असगाह, जो भगवान असगा औटा खरीद के वो भी हाथ इधर दी गई, कितना लाभ हो गया वाणी के अपनाने का। बेटे सुनिया पर अंदर की आंख खोले तब, अंदर के ज्ञान चक्षु खोले तब। अच्छा आइए ना आज फिर विचार करें, भगवान के भक्तों की मानसिक खटपट दूर हो जाती है, नहीं तो पैदा ही को नहीं वाणी सुनने का। वाणी आंखों के लिए तो नहीं होती, वाणी केवल दो अंगों के लिए होती है, बुद्धि और मन के लिए। अच्छा जैसे नाना प्रकार के वस्त्र शरीर के लिए होती हैं, नाना प्रकार के जूते पैरों के लिए होती हैं, नाना प्रकार के व्यंजन वो हमारी वाणी के जबान के लिए होती हैं। अच्छा व्यंजन होते हैं पकाए हुए भोजन, प्रिपेयर्ड फूड, उसको अपनी राष्ट्रभाषा बोलेंगे व्यंजन, ये सारे अपने खाने के लिए। तो वाणी अपनाने के लिए जरूर अपने मन में ठालो, वाणी सुनने के लिए नहीं, केवल सुनने के लिए नहीं, केवल पढ़ने के लिए नहीं, शब्द केवल गाई जा रहा हूं, केवल सुनने पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अपनाने के लिए। सुनना इसीलिए है कि अपनाना है, पढ़ना इसीलिए है कि मैंने अपनाना जीवन में ढालना है। शाबाश शाबाश शाबाश। आइए भगवान ने कहा मेरे भक्तों के खटपट नहीं रहती, संसारियों की रहती है और भगवान के भक्त की नहीं रहती, क्यों? बस इसी जवाब को आज हम फिर गहराई में उतर के लेना चाहते हैं। खटपट होती है मन की बेचैनी, व्यथा होती है मन की हलचल, मन की बेकरारी, मन के असंतुलित हो जाना, अनबैलेंस्ड हो जाना। अच्छा
मन के तवाजन का बिगड़ जाना। हमारे महर्षि वेद व्यास जी की छत्र छाया में बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक आप आ बैठते हैं। यही कहा है, मन की हलचल का नाम दुख है, भटकन का नाम दुख है, मन के टिकाव का नाम सुख है। कितनी दो शब्द कमाल के, मन की भटकन का नाम दुख। आपका मन किसी कारण से भटक गया, किसी को दुख कहते हैं। आपका मन कई दिनों से टिका हुआ, किसी को सुख कहते हैं। मन के टिकाव का नाम सुख, मन की भटकन का नाम दुख। इसका मतलब ये हमारा मन टिका है। हमारे से एक बड़ी जबरदस्त फूल, जिसको हम कहेंगे अंग्रेजी ब्लंडर, अपने में कहेंगे ध्यानिक भूल हो जाती है। क्या हम जो प्रतिकूल अनुकूल बना बैठते हैं, सुनो सुनो जरा गौर से सुनो, हम जो माफिक गैर माफिक बना बैठते हैं, फेवरेबल अनफेवरेबल बना बैठते हैं, प्रेजेंट अनप्रेजेंट बना बैठते हैं, ये हमारे से बड़ी भारी फूल। आज मुझे समझ लो या मुझे ना बोलने दो, या समझ के मन में रख लो। क्या इस विचित्र एवं विलक्षण संसार में, जहां भगवान ने द्वंद्वात्मक लोक बनाया है, द्वंद्वात्मक द्वंद होता जोड़ा, पहले दाव के पैरों में भाग है, आगे आधा नाप, फिर अगले दाव के पैरों में भाग है। आप एक बात देते हो उसका अर्थी बोलिए, आप पहले दाव के पैरों में भाग देते हो, इसका कोई अर्थ नहीं। द्वंद द्वंद जोड़ा, पेयर दाप अपोजिट, अपोजिट कैसे, कैंची खोलो जरा कैंची, ये है जोड़ा, एक फला ऊपर है एक फला नीचे है, कैंची के दो फले होती हैं, हाँ, और दोनों बड़े तेज होती हैं, दो पार्ट होते हैं सीधे के ऊपर और नीचे। इसी तरह भगवान ने इसे द्वंद्वात्मक बनाया है, इसे यूं समझिए जरा ध्यान से एकाग्र होकर, द्वंद्वात्मक लोक अर्थात जोड़ा जोड़ा जोड़ किसमें बैन का बिलमैया का जोड़ा पैदा होता है। आधे घंटे बाद फिर एक और बच्चा पैदा हो गया, या पौने घंटा में इतने ही फर्क होता है, तो उस भी जोड़े गए, ये ट्विन है। अच्छा, तो संसार में भगवान ने सारे ट्विन बनाए, सब ट्विन, कैसे दिन और रात एक नहीं बनाई, दिन और रात का जोड़ा। अच्छा, जीवन और मृत्यु सिर्फ जमना जमना ही नहीं बनाया, मरना भी बनाया, नॉट ओनली लाइफ बट डेथ एज वेल। एकांत सुना भगवान ने, ये माँ बताती, पिताजी बताते, मन में फिर अरमान लगता है, ये हमारे शुरू में प्रो की बीज डाल देते, आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी होती, हम यूनिवर्सिटियों की डिग्रियों के पीछे पड़े रहे, कितना पढ़ लिया तुमने समझाए नहीं डिग्री में, किसी ने माँ बाप किसी ने नहीं समझाया, दोस्त यारों में ये बात नहीं करते। आइए आप सुने अपने भगवान की बात, कि ये संसार द्वंद्वात्मक है, जोड़े का नाम संसार है। अच्छा, सहयोग बनाया होता, माँ बाप हमेशा हमारे पास रहते, बहन भाई हमेशा पास रहते, मित्र मित्र हमेशा मित्र में रहते, फिर कहा करो इतना अपने रब से, क्या इतने माँ बाप खुशी से हमें पाल रहे होते हैं, परोस रहे होते हैं, प्यार दे रहे, तो हमारी फरमाइशें पूरी कर रहे होती है, कि पिताजी की मृत्यु हो जाती है या माँ जी की मृत्यु हो जाती है। आओ, ये संयोग के बाद वियोग जरूर होगा। अभी हमारा संयोग हुआ भगवान जी की अमर एवं अत्यंत कल्याणकारी मान के श्रवण के लिए, थोड़ी देर बाद वियोग हो जाएगा, संयोग में वियोग, कोई ना भी चाहे पेट के मर जाओ तो भी वियोग होगा, परमात्मा ने बिल्कुल ही परवाह कर लिया, अपने नियम नहीं तोड़ता। अच्छा अच्छा, आपको मान बड़ा अच्छा लगता है, पर प्रभा करे सारे आपको मान देते, नहीं, मान के साथ अपमान भी होता, जोड़ा है ना मान अपमान, जोड़ा है दुनिया चाहती है, मान ही मान दो, इसलिए पिटेंगे बुरी तरह, मान के साथ अपमान भी है, वैसे दिन के साथ रात भी है, जीवन के साथ मृत्यु भी है, संयोग के साथ वियोग भी है। वाह, व्यापारी चाहती है सदा लाभ ही हो, नहीं, लाभ के साथ हानि भी है, व्यापारों को दो बार चार बार पांच बार लाभ देते रहेंगे, हाँ, पर जो बुरे कर्म है उनका फल क्या होगा, हानि, क्योंकि जा दे रहे बैठे हो, अगर हमने पुण्य पुण्य किए होते जन्म ना होता, कमाल, अगर मैं और आपने पुण्य पुण्य किए होते जन्म का कारण ही पुण्य
पुण्य और पापों की खिचड़ी बनाई है, इसलिए हमारा जन्म हुआ है। हाँ ये बात और है, पुण्य ज्यादा है पाप कम है। जैसे घरों में हम देखते थे वहां कभी चावल ज्यादा डालती थी, कभी मैं तो कभी पूछा नहीं क्यों, कभी दाल कम, कभी दाल ज्यादा चावल कम। ये जाने हमारी माँ अगर पता नहीं कहाँ बैठी है या कहा किसी भी और बाप बनी बैठी है या माँ बनी बैठी है, तरफ जाने। इसी तरह हमारे कर्म, अगर ये हमारे भले कर्म है तो भगवान ने अपनी वाणी सुनने का शुभ अवसर दिया। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो हमें और आपको मिली है हमारे शुभ कर्म 80% से भी ज्यादा, ये 18 भगवान ने कहा मिले या मिले, भले जा बुरी जा मूर्खम समझ इष्ट अनिष्ट हुए। अच्छा तो बुरे कर्मों का परिणाम कैसे होगा, घाटा पड़ेगा और क्या आपकी सेहत चली जाएगी, बीमारी लग जाएगी। ये हमारे बुरे कर्मों का परिणाम है, लोग अपमान करेंगे, ये हमारे बुरे कर्मों का परिणाम जितना क्या होना जरूर है। मैं आपको खींच के कहीं और ले जा रहा हूं ना, ये जो जिस दुनिया में मैं और आप आए ये द्वंद्वात्मिक है, समझने वाली बात जो नहीं पहले किसी ने समझाई आप समझ लो पूरी करें। मान के साथ अपमान जरूर होगा, लाभ के साथ हानि जरूर होगी, पता ही कोई नहीं। अगर सेहत आपकी अच्छी है भगवान करे बनी रहे, पर नहीं ना सेहत से आप बीमारी भी कोई ना कोई लगेगी, अगर बीमारी लगे तो कहीं देर जाओगे, पजामा अपना वैरी बन जाएगा, आपकी अपनी धोती वैरी वैर कमा देगी, गिर गया जाद छोट गया, गिर गया हड्डी छोट गई अपनी धोती से। छह महीने अस्पताल पड़े गए, उन्होंने सरिये बांध दिए, चोट गया सपा हड्डी फिर नहीं जुड़ी, फिर कोई और कच्चा किया गया, किससे गिरे भी क्या बताओ, चरम आती अपनी धोती में पैर अड़ गया था, अपनी धोती ने पैर कमा लिया। तो ये जरूरी है, ये कुछ न कुछ होगा, सेहत से आप बीमारी में जरूर आना है। अच्छा ये जरूर होगा। अच्छा आपके मन ये तो नहीं मैं दौड़ दौड़ जा ना माने के थोड़ा बुद्धू बनेंगे कि ये लोग जिसमें मैं आप आए हैं इसमें मृत्यु लोग बोलते हैं, लेकिन है द्वंद्वात्मक लोग, इसमें जैसे दिन के बाद रात में आना अनिवार्य है, यानी अनिवार्य बात जरूर आएंगे। अच्छा आपके घर में खुशी भगवान करे बनी रहे, पर नहीं खुशी के बाद गमी भी जरूर आएगी। हम कहेंगे दो बारी बना रहे ना बाबा, शोक के बाद मंगल जरूर आएगा। हाँ ये सारी चीजें गर्दशनी है, ये जरूर आएंगे, जरूर आएंगे तो हम मन में रख लेंगे, हमारा मन मजबूत हो जाएगा। सिर्फ इतनी बात आप रखिए और अभी अभी आप महसूस कीजिए माइंड स्ट्रॉन्ग माइंड ब्रेक, सिर्फ ये बात रखिए द्वंद्वात्मक है, एक के बाद दूसरा जरूर आ रहा, एक के बाद दूसरा, दिन के बाद जैसे रात में आना जरूर आ रहा है। सर जब जिंदगी हो नहीं भाई, जिंदगी के साथ मौत भी आएगी, जीने की कला सीखो और भगवान से मरने की कला भी सीखो, क्योंकि वो पेपर भी आना जरूर आएगा मेरी बेटी, तो प्यार कर लो तो सियाने बनोगे, नहीं तो मौत भी जरूर आना। इसलिए हमें दोनों कलाएं भगवान सीखनी चाहिए, जिंदगी का जीने की कला और मरने की कला, ये भगवान हमें मरने की कला भी सिखा, क्योंकि वो पेपर भी आने वाला है कि शरीर और घर बार बसते हुए घर बार को छोड़ जाता, ये द्वंद्वात्मक लोग है। ठीक है यह और पक्का कीजिए, हाँ हाँ अनुकूल परिस्थिति होगी हम बड़ा लाभ उठाएंगे, हाँ लेकिन अब देखिए मैं कहां ले जा रहा हूं, आप सब चीज आपके मुताबिक है, पति जी बड़े अच्छी है, पति बड़ी अच्छी है, बेटी आपकी बड़ी अच्छी है, आपकी एक ही लड़की है बहुत अच्छी है, ठीक है, धन का प्रबंध भी बड़ा अच्छा है आपका, खर्च आपका 100 है, वाह आंधी आपकी आधार है बहुत अच्छे, ये कोई कोई नहीं कराना होगा जहां आमदनी ज्यादा खर्च कम, वरना आम क्या होता है तब आते हैं गम पे गम, जब खर्च हो ज्यादा और आमदनी कम देखा ये जाता है, लेकिन आपके भाग्य अच्छे ये सब चीजें अनुकूल है आपको। हाँ लेकिन एक बात भगवान कहती है इसको इसमें दिल न देना, क्यों पति मेरे अनुकूल, पति मेरे अनुकूल है, धन लक्ष्मी भगवती हमारे अनुकूल है, घर में एक ने कहा बाकी सब जान मारते, कोई इनकार करता ही है, अगर माँ ने आवाज दी तो सारे भाग्य, माँ जी मुझे बुलाया नहीं मुन्नी को,
तो मां मेरे भाग्य अच्छे का हो, क्या करना था? वो थोड़ा सा काम मेरे पास रह गया था, वो दाल मैंने बीन ली है, थोड़ी सी दाल रहेगी मेरे से नहीं बीनेगी, मैं बीन देती हूँ अभी लो मां, बीनना क्यों ना, थोड़े से बाकी बचा दाल जो शाम को बनानी तो अभी लो। काका तेरे पिताजी भूल गए क्या? ये चीज तो बस घर में आई नहीं, मैं अभी लाता पिताजी। हमारा शास्त्र कहता है अगर आपके घर में आए तो बड़ी मौज की बात नहीं बताई कि जहां बड़ों ने कहा और छोटों ने फौरन माना, लक्ष्मी भगवान जी वहां हमेशा रहती है, धन वहां हमेशा रहेगा। एक ने कहा, दूसरे ने मान लिया, फौरन खासकर बड़ों ने ये करना लूटी, ये करना अभी लो। नहीं तो किसी सियाणी ने कितना अच्छा कहा, जहां कड़कड़ हंसे गड़े पानी, जहां कड़कड़ है तो मानते ही नहीं, सुना देती है, क्यों उसको को नहीं कहती, मुझे माँ को कहा जा रहा है, पिता नहीं कहा जा रहा, छोटे काके क्यों कहते मुझे क्यों कहती है, मेरे पढ़ना नहीं। हाय हाय हाय, चाहे दोस्त के साथ घंटा बर्बाद करके आया है वो तो मनुष्य सुनिए, और पिताजी ने थोड़ा सा काम कहा है तो मेरे मुझे क्यों कहते हो। माँ बात बात में कमी देती है, बात बात में, और लोक पर लोक दोनों किसके बनती है, जहां है कृष्ण मेरवा, सब कुछ होता कृष्ण मेरवा, क्या यानी कृष्ण की भक्ति है, भगवान जी की भक्ति कमाई जा रही है, भगवान जी का पावन नाम कमाया जा रहा है, भगवान जी की वाणी सुन के अपनाई जा रही है, बड़े भगवान खुश होते हैं, अरे वाणी के जीवन में ढाला जा रहा है कमान। ये आप देखें क्या अनुकूलता तो है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं लड़का जवाब से बोलू, ये अनुकूलता हमेशा नहीं रहने वाली है, ये भगवान का नहीं हो, क्यों? हमारे पाप भी तो आगे आएंगे हमारे, मैंने अभी भी कहा था हमारे पुण्य ज्यादा है, हमारे पाप भी तो है, उन्होंने भी तो आके टक्कर मारनी है, नहीं तो वो टक्कर किस रूप में मारेंगे, आपकी प्रतिकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता बदल जाएगी, आपको जो फेवरे में सक्रम चौसेस है या वापिस गैर वापिस हो जाएगी, जो प्रिय घटनाएं अप्रिय हो जाएंगी, है ये अनिवार्य है। इस पर किसी का मन हल्का मचाता है मुझे पूछ लो, मुझे पूछ लो मेरी बेटी, अनुकूलता हमेशा अनुकूलता नहीं रहेगी, प्रतिकूलता जरूर होगी। शाबाश शाबाश शाबाश, ये परमात्मा का अटल नियम है, क्यों हमारे अपने किए हुए पाप वो इस रूप में प्रकट होंगे, वो कहीं ना कहीं आपको मारेंगे। इतना वजन करते आप बोलते आप शिक्षा देते मेरे गुरु को, इतना वजन करते सत्संग करते गीता भी पढ़ते दान भी देते हैं पुण्य भी करते हैं, फिर भी ये क्यों घर में घटना घट गई? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, जो कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं, पर अगर आप मुसलमानों घर में पैदा होते तो आपका क्या नवाज अच्छा, अगर आप ईसाइयों घर में पैदा होते तो ये क्या नवाज अच्छा है, आप एक श्रद्धालु हिंदू घराने में पैदा हुए गए, या क्या कहा जाता है कि केवल ये जन्म नहीं पिछला जन्म भी है, पिछला जन्म भी कनेक्टेड विद दिस वेरी बर्थ, सांप का वर्ष के जोर से वो मकसूद की सिमत पायद दुनिया में ताजा हया तो सब उसमें, ये सच्चाई है बिल्कुल सच्चाई, जैसे आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं, ये बिल्कुल यही सच्चाई है कि पिता जन्म सांप का होता है, उन्होंने ये मूर्खता की है जो अपनी कौम को ये कहा है कि ये पहला और आखिरी जन्म है, गलत बिल्कुल गलत, भगवान की कसम उनके अल्लाह की कसम, चाहे उनका अल्लाह काला है या गोरा है, ये गलत है, नहीं अगर ये पहला जन्म है तो हम सारे बराबर होते, मुसलमानी जवाब देते सबकी बुद्धि बराबर, सबके रंग बराबर, सबके घर का वातावरण बराबर है, तो फिर हमने क्या किया है, पता नहीं मुसलमानों के मटके ने ये कैसे कह दिया, इसलिए मुसलमानों में अगेंस्ट हो गए, कौन सुल्तान बाहू है और अपने पीर साईं पुले शाह, हाँ मौलाना रूम जायसी, ये अगेंस्ट है, देखा उनका मौलाना रूम कहता मेरा ये 72वां जन्म है, इसके ऊपर हत्या मत की मुसलमानों में, उनका बड़ा भारी गुरुओं का गुरु माना जाता, पीरों का पीर, और वो ये कह रहा है मौलाना रूम कि मेरा 72वां जन्म है,
वो अगर कहती तो चलो उनके धर्म में नहीं माना जाता, पर हिंदू धर्म तो सबसे पहले पुनर्जन्म माना जाता। ये पुनर्जन्म तो फिर क्या, इतने भी तो कुछ नहीं किया, लेकिन पिछला जन्म भी तो हमारे साथ है ना। बस यहां पर हम अपने मन को सबर देते हैं या अपने मन को समझा देती है कि ठीक है इस जन्म में जो मैंने पुण्य किए हैं जब से सबरी होगी ठीक है, लेकिन पिछले जन्म तो मेरे साथ है, उसका भी तो फल मुझे मिलना है। शाबाश, ये तो उसी तरह गए जैसे एक लड़की के इस साल पेपर खराब हुए, पिताजी मेरे पेपर कुछ खराब हो गया, पिताजी का चेहरा उतर गया, पिताजी आपने चेहरा को उतार दिया, बेटा तो फिर हो जाएगा, वाह पिताजी पिछले साल मेरे बड़े अच्छे नंबर बड़े पेपर अच्छे मुझे उसके मिला के होनी है, और बेटा फिर बड़ा पीछे पिछले साल जो पेपर हुआ था फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का दोनों मिला के फिर रिजल्ट निकला एग्रीगेट बढ़ेगा था। अच्छा अच्छा अच्छा, और भाई जितने तो मेरे रब को पहुंचाते हो और आपको और भी काम करने हैं क्या, वो जो आपके कितने जन्म के गुड या बैड मेरिट्स हैं वो भी तो साथ मिल रहे हैं। अच्छा सोचा करो इस बात के ऊपर, फिर देयर विल बी नो ग्रीवेंसेस नो शिकार नो गिला नो शिकायत। अच्छा बात बात किया परमात्मा को शिकवे देते हैं, तिरवानी करते हैं, तेरा जाप करते हैं, पुण्य करते हैं, फिर भी हमारे घर में ये दुख क्यों आ गया। दुख आया है हमारे किए हुए कुकर्मों को मिटाने की और हमें परमात्मा के दर्शनों के योग्य बनाने की। डॉक्टर ने चीरा दिया है अंदर जो खून का मल बन गया उसको निकालने की, बन गई पीक, वो पीक बात चलाएगी, मुझे मैं दिन रात हाय हाय करता रहता हूं नहीं करूंगा। तो दुख आए गए मेरे गंदे संस्कारों को मिटाकर भगवान के दीदार के काबिल बनाने के। अगर नाई ने उतला उठाया रोता क्यों है, नाई ने उतला उठा लिया तेरी कलम बनाने के लिए, तेरी शेव करने के लिए, जाके तेरे गला काटने के लिए, अगर उतला उठाया तो तुझे सुंदर बनाने के लिए। भगवान ने अगर कष्ट दिया तो हमारे संस्कारों को कटाने के, ऐसा समझू ना। नाई का उत्तर देखे रोपड़ा बच्चा, वो तो अबोध बच्चा है ना जिसकी पहली बार आप खंड करवा रहे हैं, वो रोता है ये इसके हाथ में क्या आ गए, इसके हाथ में कलम तो नहीं है, ये क्या क्या कर लेगा, क्या कर लेगा अभी पता लग जाएगा, अभी पता लगेगा क्या कर लेगा, मेरे छिलके क्यों रख लाए ये चाकू, उसे क्या पता चाकू तो चाकू कह गए। ये तो हम अबोध बच्चे न बने, हम ज्ञान पाने विचार पाने, आइए वो भी हमने भोगने में। तो ये द्वंद्वात्म फिर वही आ जाऊंगा, ये लोग जो परमात्मा ने बनाया ये द्वंद्वात्म है, ये द्वंद्वात्म जुड़ा जुड़ा रहेगा। अच्छा एक के बाद दूसरे जैसे मैं फिर आ जाता हूं, दिन के बाद रात आएगी जरूर आएगी, अगर सारे हाथ जोड़े पैर जोड़े घुटने देके रबा आज रात ना लिया तो बाबा ये कभी नहीं हो सकता, दिल से कहना ये बाबा सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, बाबा अब दातिया रोज तो रात लिया मैं आज ना ले आई, आज ना ले आ रात, ये कौन सुनेगा तुम्हारी, ये ब्रह्म विष्णु मशु वेश के बस की बात की नहीं है, रात ना ले रात आएगी ना बाबा, रात तो अनिवार्य है। इसी तरह कहिए अगर एक द्वंद आया तो दूसरा आना अनिवार्य है, जरूर आ जाए बेटी, मान लो हम तो आपकी छाती को आपकी कलेजी को आपके अंतःकरण को ठंडा करने आए गए, हमारे आने का मतलब भी यही है कि यह एक्स्ट्रा जो गर्माइश आपके अंदर दुखों की कमियों की रहती है, बार बार आप अपना सीना पकड़ती रहती मैं क्या करूं मेरे वश की बात, ये मूर्खता है जो बार बार वो ठगान कहती है वो गर्म रखती है, यकीन से जो रखती है सीनों को ना कि रन से रखती है, हमारे लिए शर्म की डूबने वाली बात हो जाएगी। हम शर्मा से तो अपने अपनी छाती अपने मन अपने अंतर गर्म रखे ना कि रंज दुख से चिंता से, कौन सा मुंह लेके जाएगी भगवान के दरबार में। खास मुझे रब ने इन जीवों के लिए बैठाया हुआ, मैं जानता हूं जो मेरे कृष्ण जानते हैं, खास बैठा हूं आप लोगों के लिए और लगातार सवेरी शाम सुनवा रही है आपके लिए। वाह डॉक्टर कहते हैं आपने खून की कमी है, जब तक ये कमी पूरी ना हो जाए तब तक आपने सत्संग नहीं करना, डॉक्टर साहब ये तो मैं मान नहीं सकता, मैं तो बैठा ही इसलिए हूं यहां पर, अगर दूध पी दिया पुत्र मर जाए तो मरे,
अगर मैं सत्संग सुनते हुए मेरा हार्ट फेल होता है तो कल का होता अभी होता है, मेरी बला से मैं बैठा ही चीज हूँ। नहीं, आप में 4 मिलीमीटर की कमी है, हो जाए 4-6 मिलीमीटर कमी हो जाए, ये नहीं। सत्संग तो मेरी करना है, मेरे क्या मेरे का मतलब ही क्या हुआ? आपने 10 दिन कहा 10 दिन में इंतजार कर ली, नहीं अभी अभी मिलीमीटर पूरा नहीं बना, नहीं बनता ना बने, ये तो हमने करना है, ये तो हमारा धर्म है, आपके लिए बैठा हूं ना, ये तो मैंने कृष्ण कह दिया कृष्ण विशक विशक बोलते बोलते मेरे शरीर छूट जाए छूट जाए, ये आप जानो आपका काम कर, मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा जिसके लिए आपने मुझे बिठा रखा है, अब मैं डॉक्टर का नहीं मान सकता, दुनिया के डॉक्टर का ना मानूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं आई फॉर्म मैं ऐसा ही शरीर यहाँ पर बैठा आपके लिए हूँ। तो आपने देखना है कि भगवान ने मुझे बहुत बढ़िया मौका दे रखा है, बहुत बढ़िया मौका, तो इस मौके का लाभ कैसे उठाया जाना है, अपना नहीं अपने जीवन में ध्यान करना, ये शौक पैदा हो जाए, जैसे रब ने मेरे ये शौक तो भगवान करे मेरे से ज्यादा आपने शौक पैदा हो जाए, अपना नहीं, ये द्वंद्व आप नहीं करें, ये लोग जिसमें मैं और आप आए हैं, इसके बाद एक में इसके बाद दूसरा आएगा, दिन जैसे दिन के बाद रात, हाँ तो अनुकूल वातावरण प्रतिकूल होगा, ये मेरे शब्द कड़े ना लगे, जरूर होगा, प्रिय घटना सोमवार बना रहे, गुरुवार का दिन बना रहे, तो शनिवार कहां चढ़ेगा, शनिवार कहीं जाएगा जापान में, जहां गुरुवार आता है वहीं शुक्रवार आएगा और शनिवार भी वहीं आएगा, जरूर आएगा, इसलिए द्वंद्वात्मक लोग है, ये जरूर आने है, अनुकूलता प्रतिकूलता में होगी, फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस मस्ट बी चेंज इनटू अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, सुनिए इसका कोई इलाज, कोई इलाज नहीं, एक मैंने पढ़ा है और अनुभव भी कर दिया है, क्या इसका एक इलाज बता देता हूं, अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस तो आएंगे, अब ये घटनाएं घटेंगी, लेकिन एक भगवान रिएक्ट कर देते हैं, ना मनवाने से मुझे पकड़ लो अच्छी तरह है, क्या अगर आप दिन रात भजन कर देंगे, मेरे दो कान लेके सुन लो जरा, सारी मेरी दीवियां आपकी, बड़ी मीठी बात सुना रहा हूं, बड़ी मीठी बात, हालात में बिगड़ेंगे क्योंकि हमने पहले कुकर्म कर चुके, बुरे कर्म करके जन्म ले लिया, जो अनुकूलता प्रतिकूलता बिगड़ेगी, मौखिक हालात गैर मौखिक होंगे, पहले सुनो मेरे से, प्रिय से अप्रिय होगा, प्रेजेंट मत चेंज इंटू अनप्रेजेंट एनवायरमेंट एंड सर्कमस्टेंसेस एज वेल होगा, लेकिन एक बात सुनो, अरे एक बात सुन ले, सुना बाबा सुना, अगर हम सीरियसली सिंसियरली सच्चे और पक्के भगवान के प्यारे बन के भजन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, प्रातः काल रोज उठ रहे थे, सुनो सुनो मैं रैत वाली बात नहीं कर रहा, एक नियम बता रहा हूं भगवान जी का, हम प्रातः काल रोज उठ रहे थे, महाराज जी के बताए गए गुरु को अपनाने की चेष्टा कर रहे, चाहे अपनाए जा रहे हैं या नहीं ये जा रहे हैं हमारे कृष्ण, लेकिन हम लोग सुरखुरु हैं अगर हम लोग अपनी ओर से अपनाने में कथा नहीं छोड़ रहे, तो अगर हम लोग अपनाए जा रहे हैं अपनाने में पुरुषार्थ किए जा रहे हैं, अगर हम पुरुषार्थी है, पुरुषार्थी कौन होगा जो भगवान की शरण ले चुका है, जो भगवान की शरण ले चुका वो कौन होगा, शरणार्थी, शरणार्थी जो भगवान की शरण ले चुका वो पुरुषार्थी होगा, भगवान चाहते कि यही है हम शरणार्थी बने और पुरुषार्थी भी बने, ये लगे हुए जुटे हुए, हाँ तो मुझे सुन लो क्या होगा, अगर आपने एक महीना तो पाना तो एक सप्ताह पीरियड घट जाएगा, पहले मैं पढ़ता था मुझे शक था, भगवान ने अनुभव करवा दिया, इसलिए मेरी जबान पर विश्वास कर लो, इस अपने जैसी भगवान के प्यारे की वाणी पर विश्वास दे, आपका दुख का पीर घट जाएगा, किसी के मन में हलचल मची हुई सोच करके मुझसे पूछ लो, मेरे जो कमीज का हर कोना पकड़ लो, पहले मैं कहती हूँ कोच करता था अनुभव नहीं दिया ब्रह्म ने, बड़ा भागने शास्त्री हो गया था, अपना अनुभव नहीं खोला था, अब पता लग गया, अगर आप क्यों जान से भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो दुख का पीर कम हो सकता है, पर दुख तो आए, नहीं तो हमारे संस्कार कैसे कर, अरे दुख तो आएगा लेकिन दुख का समय, दुख की अवधि, दुख का पीरियड, दुख के दिन कम हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सत्य है, सूली का कांटा बन जाएगा, जो ज्यादा समय दुख आना था भगवान के प्यारे के दिलों जान से भक्ति कर रही है उनका दुख कम हो जाएगा,
गद गद हो जाओ परमात्मा का, शुक्रिया करो दिलो जान से, जरूर मेरे बेटे काम हो जाएगा। हाँ दुख है ही नहीं, काम कर रही दुख है ही नहीं। ओए माँ दे पुत्रा और प्यो दे लाल, कितनी अवस्था तूने बना ली है। ओए सच्ची गल कहे, नहीं तो तेरी गाल और मेरा थप्पड़, तूने ऐसी अवस्था बना ली तुझे दुख दुख नजर नहीं आता। मैं अभी कुछ करूँ, मैं कुछ करूँ अभी बच्चों कर बच्चे वही तक बोला करो जहाँ तक आपकी अवस्था। अगर मैं थोड़ी सी शक्ति लगा के इसके सीने के अंदर थोड़ी थोड़ी शुरू कर दूं तो ये क्या, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। पर मैंने अभी कुछ दिन आप में रहना है, ऐसी अलौकिक बातें मैं करना नहीं चाहता। थोड़ी सी भी अपनी ओर से कर दो तो ये यूं करने जाके यूं तो दुख है कि नहीं पुत्र। ये अवस्था तब होती है जब हम दी अवस्था से बिल्कुल उठ जाते हैं, दी अवस्था से बिल्कुल किसी गुण अतीत अवस्था चलती है। क्योंकि गुण अतीत भगवान करे आपकी बने मेरे बेटा उठा है, सबकी बन जाए, हरे की बन जाए, मैं बहुत खुश हूँ। कहने की जरूरत तो उसने माँ ने पुत्र ने की है, वेरी गुड। दुख है पापा, और वाह वाह माँ के साथ दुख है पापा। दुख हमारी मन में होता है, दुख हमारे चित्त में होता है, दुख हमारे कच्चे इरादे में होता है। जिसको महसूस करता है मन और प्रकट होता है तन पर, तन पे प्रकट होता है और महसूस कौन करता है, मन। फीलिंग फैक्टर इज माइंड। कितनी चोटी की बातें कृष्ण ने बताई है जो हम हिंदुस्तानी इस चोटी के ज्ञान से वंचित रहते, बड़ी घाट पड़ती है मुझे हिंदुस्तान में जन्म ले करके इससे वंचित, इस चोटी के ज्ञान से वंचित। शाबाश शाबाश शाबाश, इससे वंचित। आइए ये दंडात्मक लोग है, अगर आप लगे हुए हैं तो विश्वास कर लो हाँ दुख कम हो जाए, दुख का पीड़ कम हो जाए। महीना जो दुख पाना था मैं सप्ताह कह रहा हूँ, इतने अनुभव किया है, अगर इससे ज्यादा किया तो मैं बता देता आपको। इतनी जबान खोलूंगा जितना कुछ मेरे परमात्मा ने मुझे अनुभव करवाया, तो बड़ी खुशी की बात है। दुख तो आएगा, जो हमने को कर्म किया वो मैं और आपने भोगना है, पर भगवान कितनी अच्छी रहते हैं थोड़ा। जैसे हमारे यहाँ युवा में संत शिरोमणि राधा स्मरणीय भारत को चार चांद लगाने वाले गोसाई पिछले दास महाराज की कदर की जाती है, मुसलमानों में इसी तरह शेख सादी की कदर की जाती है। शेख सादी बड़े चोटी के धार्मिक व्यक्ति हुए गए और कवि भी हुए गए, फारसी के कवि। अच्छा उन्हें उनके लिए दो किताबें लिखी है फारसी में, अगर आप कभी पढ़े तो आपकी है हिंदी में लाइब्रेरी में, गुलिस्तां और बोस्ता, गुलिस्तां और बोस्ता नाम मैंने बता दिए, कभी टाइम लेके पढ़ना, पहले गुलिस्तां पढ़ना फिर बोस्ता पढ़ना। फारसी में उनका अनुवाद मेरे ख्याल दुनिया भर की कितनी लैंग्वेज में हुआ है, बड़ी अच्छी है, बड़ी मीठी है। उसमें नीति की बात दी गई, क्या मैनर्स एंड एटिकेट्स इंसान के लिए, और उसमें पढ़ के हैरान लगे, काफी बातें हमारे हिंदू महात्माओं की उन्होंने ली है जो वो सिद्धांत है। तो एक दिन मान दो तीन बार कासा दी आके नान खा जा, नान हम भोजन कहते हैं वो नान कहते हैं, नान बेटे नान, आगे नान ले जा। तीन बार कहा, आगे कभी इतनी बार नहीं लाया, आकर वो आ गई मां इनकी आई और ये कुछ लिख रहे थे, तो उस शेर को पूरा करना था तभी देर हो रही थी, आधा शेर बन गया था आगे पूरा नहीं बन पा रहा था। अच्छा तो कभी जब तक पूरा नहीं बना लेगा उसकी माँ मर जाए, अगर वो अपनी शेर छोड़ जाएगी उनको चैन ही नहीं पड़ती कि ये पूरा बना लो फिर शायद फिर हमारे कागज हो जाना। तो माँ पीछे खड़ी हो गई, माँ भी तनाव ही पड़ी थी, अगर शादी की माँ हाँ अनपढ़ तो हो सकती, किसी अनपढ़ के हाथ पैदा हुआ होगा ना, तो माँ उसकी खड़ी में पड़ने लग गई। हाँ वो क्या दे रहा था, वो औरतों को लानते मार रहा था, बुरा ना मनाना, औरतों को लानते, कितनी लानते, नौ लानते, उन्हें मुसलमान औरतों को नौ लानते मारे। तो माँ पढ़ रही है, माँ किस वक्त आई जबकि वो लानते मार रहा है,
पहली लानत उस औरत को जो शादी के बाद गड़बड़ मचाती है, दूसरी लानत उसको जो झूठ बोलती रहती है, तीसरी लानत उसको जो अंदर बार एक जैसी नहीं रहती। इस तरह कुछ से लाते जो आप मानते जाएंगे बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। तो माँ कहते हैं ए साथी वो आ गई, और मैं तेरी माँ हूं, तो मैं भी तो औरत हूं, तो मैं भी नौ लानता ना माँ लेकिन तीन काम से माँ तुझे तीन काम, तो मेरी माँ है ना और बड़ी अच्छी माँ है। तो भगवान जी इन दंतों में मुझे भी दुख होंगे ना भाई ना, तुझे दो तीन हफ्ते काम से। ये भगवान जी ये उस शेरशाह जी की हमारे लिए गैप है। जैसे शादी ने कहा था माँ तू मेरी माँ है ना, हाँ तुझे लाते तब तीन काम से ही चार के चार काम से ही, पर लाते तो है माँ आयो मेरे में भगवान के। भले आप मेरे प्यारे गए भजन करने वाले गए, चलो मैं दो कुछ काम करने पर दुख तो आए, ये तो होगा। ओ मेरे सदनो, ओ मेरी कल्याणकामी देवी, ये तो मैं हूं आप, ये तो आएगा। मेरे खून कम, मेरे तो खून कम की जरूरत क्या थी, मेरे कोई चिंता नहीं, खुराक दृष्टि में कोई सतम नहीं है। फिर हमने कहा कि मैं तेरे जो कुछ किया होगा छोटे बोलते वो कैसे करता हूं, इसी तरह कटूंगा ना, ठीक है कटे। पर हम भी बगावत करके आपको सुनाई जा रहे हैं, जो मर्जी तू करता रहो, हम तेरे काम में दखल नहीं देते, तू हमारे काम में दखल न दे, हम तेरा प्रसंग करते जाएंगे, तू अपनी निभाई जा, हमारे मुकर्म करती जा, हम तेरी वाणी सुनाई जा रही। कमान दम तो आएगा हाँ, पर एक मिनट कह दिया आपको कम हो जाएगा ठीक। एक और बड़ी मौत की बात, क्या जो आपके पल्ले ज्ञान हो गया मेरी राज रखना, क्या आपने अभी भी कहा पहले भी कहा धरती पर शरीर रात रखूंगा, केवल आपके लिए बैठा हूं, केवल आपके लिए बैठा हूं। हाँ अपनाने की कोशिश करना, ज्ञान वही ज्ञान है जो आपने अपना लिया है। ध्यान देना मेरे सज्जनों, ये धर्मस्थान आपको सच्चाई से भरी बातें बता रहा, वो ज्ञान नहीं जो गीता जी में है या मेरे जिगर और मेरे मन में है, तो वो ज्ञान नहीं ना। तेरे पति ने तुझे कह दिया जितना मैं तेरा प्यार करता हूँ ना, मैं तेरा आदर मान करता हूँ, हाँ वो मेरा मन जानता है। अब तुम्हारे मन को मैं क्या करूँ, अगर प्रकट ना करूँ तो गालियां देते हो, मेरे माँ बाप गाली देते हो, ये भी कोई ये भी प्यार है, मैं जितना मैं प्यार करता हूँ ना ये मेरा मन जानता है, ये मेरे बड़े मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं ना जानू तो फिर तुम्हारे मन को क्या हो गया, मुझे बताओ। तो वही ज्ञान आपका है जो मैं बताऊ अपना लिया। पति के मन में आपके प्रति प्यार है तो प्रकट करें, आदर से बोले, और जो आप कहती लोग कोई ऐसी बात नहीं, भगवान तेरी किस्मत का हमें दे रहा शाबाश, तब आप कहो ना कि वाकई पति के मन में प्यार है। कहना इतना मर्जी और मुंह थे ऐसे ही खाली को धूका छोड़ी जा रही, बोली इतनी बजनी और बैठे काट काट की जा रही थे, तो फिर तो बात ना करी खाली को धूके छोड़ने वाली बात। तो कमान क्या आपका ज्ञान कौन सा जो आपने अपना लिया, भोजन कौन सा मैंने पहले कहा बार बार बोली जा रहा था कि आप समझ जाए, भोजन वही जो पका पड़ा नहीं जो आपने खा लिया, दो तीन चार फुलके खा के फिर कटोरी जो सब्जी की आपने ले ली है, ये भोजन आपका, वो भोजन इस तरह चौकी का, वो चौकी का भोजन, वो माँ का भोजन जो उधर तैयार हुआ पड़ा है, आपका भोजन वो जो आपने खा लिया, ये कभी भूल ना करना। आपका ज्ञान वो जो मैं दे रहा हूं गलत, जो गीता जी दिया है गलत, जो ज्ञान आपने अपने मन में बसा लिया, जो आपने मन में रख लिया वो ज्ञान आपका है, शाबाश शाबाश शाबाश, वही आपका है शाबाश। एक बुजुर्ग बड़ी मुद्दत से सत्संग में आ रहे थे, एक छात्र में पढ़ा था। अच्छा तो क्या हुआ, बड़ी अजीब बात हो गई क्या, एक ने पूछा बुजुर्ग बार बड़ी बड़ी उम्र के थे, चलते भी जरा मुश्किल थे, किसी आप जैसे ने पूछ लिया जरूर राम 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 जी, एक बात करूं अगर आप बुरा मनाना हो तो मैं यही ना आता, जो मर्जी पूछ लिया गालियां दे रहे गालियां दे रहे, नहीं नहीं बुजुर्ग बार आप तो मेरे दादा समान है, हाँ लगभग आपकी उम्र कितनी होगी, और वाह वाह आजा 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 हाथ निकाल हाथ निकाल और आप मिला पैसा कट चली दिखा आ जा बड़ी शाबर, बड़ा अच्छा प्रश्न किया तूने, तो मेरी उम्र कितनी है, हाँ मेरी उम्र 2 महीने 10 दिन, बाबा
इतना बड़ा झूठ। तो मैंने दस दिन और पुत्र वैसे में 86 साल हो गया, सारी उम्र तबाह की थी, अब बनाई का 2 महीने 10 दिन की उम्र, तो ये मेरी उम्र बाकी सारी गई, बाकी लड़ाई में झगड़े में प्यार में लाड में यही रहो। अब तो उम्र है, उम्र तो ये है जब मैं बनाने लगा। तो क्या तो वो है जनाब जो गीताजी के 700 श्लोकों में लिखा, वो नहीं जो आपने अपने मन में रख लिया। तो बाबा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, वो बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मेरी उम्र 2 महीने 10 दिन की है, यही मैंने संवारा है, बाकी तो मैंने मिट्टी में मिला दिया, बाकी तो मैंने कुछ नहीं किया। तो हमारा तो ज्ञान वही गए जो मैं बता रहा हूँ, वो नहीं जो आपने पिकअप कर दिया, जो आपने अपने मन में धारण कर दिया। शाबाश, कदर करना कि मेरे जो ज्ञान जो बात आपकी समझ में आ जाए, वो सिर्फ समझ में ना आए बल्कि आपके मन में आ जाए और रोज उसको प्रकट कर दे, एवरीडे लाइफ में आप उसे ट्रांसलेट करें। आइए, अब ज्ञान जो आपने अपना लिया, अच्छा ज्ञान जो आपने अपना बना लिया, अच्छा तो अब ये उल्टी पुल्टी बातें होंगी जो आज अनुकूलता कल प्रतिकूलता होगी, आज प्रिय कल अप्रिय होगा, ज्ञान आपकी रक्षा कर देगा। क्या ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से मन मजबूत हो जाता ना भाई। आप लड़िए है, हम आपके साथ लड़े बाबा, नहीं वो लड़ाई और होती है, ये ज्ञान की लड़ाई है। आप लड़े, ज्ञान मन में होता ही बुद्धि में, सोचो तो मैं कपास कर रहा हूं, यह आपका कपास का प्यार क्या कह रहा है? ज्ञान तो बुद्धि में होता है, सेंस कंट्रोल भक्ति मन में होती है और कर्म मन में होता है। मैं कह रहा हूं नहीं, ज्ञान आपके मन में बुद्ध से होता है। आप हैरान हो रही हैं, सब हैरान होते जा रही हैं। जब आपने समझ लिया तो बुद्धि में देखते हैं, इसको कोष बोलते हैं खजाना, ज्ञान का कोष तो बुद्धि है, इसलिए इसे विज्ञान में कोष बोलते हैं। शरीर है अनमय कोष, बुद्धि क्या है? विज्ञान में कोष। आत्मा क्या है? अनन्मय कोष। हाँ, तो इन विज्ञान में चला गया, ठीक है। लेकिन जब आपने अपने विचारों में हाई थिंकिंग ले आए तो आपके मन में चला गया। हाँ बेटी, यूं तो आपने रोटी खाई तो कहां चला गया? आमाशय में। इसे बोलते हैं आमाशय, स्टॉमिक, अंग्रेजी में कहें स्टॉमिक, ये हमारे आमाशय या स्टॉमिक में चला गया। हाँ नहीं, क्यों? एक एक नाड़ी में खून बन के चला गया। जब अंग का खून बन गया तो एक एक नाड़ी में चला गया। हाँ, तो जब ज्ञान बुद्धि से आपके विचारों में चला गया तो वो मन में आ गया, विचार में आ गया। तो लोग क्यों सुन सुना के दुख पाते हैं? क्या वो मन में नहीं ले आते? विचार नहीं बदलते अपने? आई आई जुलम जुलम जुलम, अपने विचार नहीं बदलते, अपने विचार नहीं बदलते। शाबाश, इसलिए वो क्या होती है? वो कोल्हू के बैल की तरह, जैसे आंखें की पट्टी खुलती हो वही का वही अपने आप के पास है। वो कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल। हाँ, आपने कोई भी ऐसी ब्लैक शीप यानी काली भेड़ ना हो जो सुने और बुद्धि में रखे और मन में ना ले आए, खाया पिया अगर खून नहीं बनता तो फिर क्या हो जाएगा? मौत। खाया पिए का खून बनना चाहिए, खून का वीर्य बनना चाहिए। हाँ, ताकि आपके शरीर में आपके अंगों में ताकत रहे। खाया पिए का मतलब कुछ नहीं, अगर आगे उसके इतने पॉट नहीं बन जाते तो। हाँ, तो ज्ञान बुद्धि में ना रहे, कहीं कोई जानकारी बड़ी जबरदस्त, अगर बुद्धि में होगा सिर्फ जानकारी है, उसको ज्ञान भी नहीं कहेंगे। कृष्ण उसे ज्ञान नहीं कहते, उसे जानकारी कहते हैं। हाँ, मेरे सज्जनों देवियों, वो जानकारी है, वी आर इंफॉर्मेशन नॉट नॉलेज एंड विजडम। ये कब जाके वो वहां से असर करती है आपके ख्यालों को बदल कर आते, आपके विचारों में हाई थिंकिंग आ जाए, then and then now it is knowledge and wisdom। अब हम ज्ञान कहेंगे मन में उतर, ये कोई कोई होती है बेटी, कोई कोई होती है जो ज्ञान को मन में ले आके हाई थिंकिंग बना दे। जब आपकी हाई थिंकिंग हुई, उधर उधर घटना घटी, यानी द्वंद्व का लोक में कुछ उल्टी पुल्टी बातें हुई, मन संभाल ले गए। हाई गाई हाई गाई हाई गाई बेटी, मन संभाल लेगा।
क्योंकि मन की थिंकिंग हाई हो गई। जब मन हाई थिंकिंग में जाता है तब ये छटरांग नहीं होता, लो थिंकिंग में छटरांग नहीं होता, लो में बिल्कुल ही कमजोर हो जाता है। पता नहीं मेरी पति साहब बहुत प्यार है आपको, बीमार रहती है पता नहीं क्या बनेगा, पति साहब बड़ा प्यार है पता नहीं इनका क्या बनेगा, इनको चिंता रहती बताती है नहीं, और मुझे रात को कहते कहते सपने भी आने लग गए, ये मन कमजोर होता जाएगा। इसमें जिसको आप टेंशन बोलती है मन दिन दर कमजोर हो जाएगा। टेंशन नाड़ियों में नहीं होती, टेंशन पहले मन में होती है, उसका प्रभाव जहां पड़ता है। पहले चिंता का घर, बेचैनी का घर, टेंशन का घर आपका मन है। यदि ये मन है उससे ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाएगा, लो नहीं हाई, उससे फिर पता नहीं कितनी गंदी बीमारी लग जाती है। डॉक्टर ने बताया था मुझे समझाते हुए कि जब टेंशन ज्यादा किसी की बढ़ जाती है तो दो बीमारियों खतरा, एक हार्ट के ट्रबल का, हार्ट ट्रबल, या दूसरा अधरंग का। ये दो बीमारियां साथ साथ चलती हैं जब टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती, ब्लड प्रेशर हाई हो जाते, आप पता नहीं वो हार्ट की तरफ जाता है या कि किसी अंग को मार देता। इसलिए चिंता तो आदमी आप तो कर करेंगे, आपको तो आपका प्लेटर में आपकी मैं पक्ष नहीं दे रहा, आप कब नहीं करेंगे जब आपके विचार ऊंचे हो गए, जब आप कुछ विचार नहीं चले गए, शाबाश शाबाश शाबाश, नीचे आपको मिलने के लिए मनोरमा आई। हाय आज कितनी गर्मी थी, मेरे सारे कपड़े पसीने से मैं दूसरी बदल के आई हूँ सारी, फिर मुझे कितनी गीली हो गई, बड़ी गर्मी थी ना, आज तो इतनी गर्मी नहीं थी। हाँ तो तीसरी मंजिल से बोल रही है ना, जहाँ वायु ठंडी होती है, हम तो ग्राउंड फ्लोर पे रहती है ना। हाँ तो ग्राउंड फ्लोर पे रह गए तो चार बार साड़ियां बदले तो भी गीली हो जाएगी, पसीना छूटता है। जो ग्राउंड फ्लोर पे नीचे रहती है वो जो तीसरी मंजिल पे रहती है तो हायर कोई को कूलर टूट गई, नियम है जितना आप धरती से ऊंचा रहेंगे उतनी वायु ठंडी होगी। हाय 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 इधर भी ठीक है क्या, हायर डिमांड गोज कूलर फूड, पकड़ लो ये विचार मेरे से, पकड़ लो मेरे मेरे जिगर में मेरे मन में जा रहा जाए आप दे दो, हायर डिमांड कूलर फूड, जितने हमारे मन के ऊंच विचार होंगे उतनी ठंडक रहेगी, और जितने विचार नीचे रहेंगे जैसे ग्राउंड फ्लोर पे जो मनोरमा है वो बड़ी गर्मी कह रही है, देखना सारे मेरे कपड़े पसीने से तरबत हो गए, गवर्नमेंट पता नहीं क्या करती है, बिजली भी नहीं देती। और मैं तुझे कितनी बार क्या तू अपना लगा ले ना जनरेटर, छोटा सा जनरेटर घरों में, घरों के लिए भर गया बड़ा सुंदर सा मछली नुमा, मछली की शक्ल का, हाँ लगा लेना। अच्छा उनको कहूंगी तो पसीना किसको आ रहा है जो ग्राउंड फ्लोर पे है, जो निचली निचले यानी फर्श पर पहली मंजिल और थी निचले तो तीसरी मंजिल से बॉडी पे कोई एक्टिविटी करनी थी नहीं, हाँ तीसरी मंजिल पे रहती है ना, तो दुर्घटना तो घटी यानी प्रतिकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता बनी, लेकिन आपसे असर नहीं होगा क्योंकि आपका माइंड हाई चला गया, हाई थिंकिंग पर इतना असर नहीं होता। घटना तो आई, दुर्घटना तो हुई, पर अगर दिल है मजबूत, ये आपके कृष्ण कह रहे हैं, ये आपके जगत गुरु फरमा रहे हैं, सत्संग सुनने से अगर हाई थिंकिंग ना हुई कोई फायदा नहीं, मेरी देवी कोई फायदा नहीं, डॉक्टर का इलाज करने से बीमारी कम नहीं हुई, डॉक्टर बदलो बीमारी को कम होना चाहिए, डॉक्टर का मतलब ही यही है जो हमारी बीमारी को कम करे, या तो डॉक्टर साहब ठीक तशखीस नहीं कर रहे, डायग्नोज नहीं कर रहे, अगर डायग्नोज ठीक नहीं हो तो प्रेस्क्रिप्शन भी ठीक नहीं हो सकती। हाँ तो सत्संग से तो थिंकिंग हाई होनी चाहिए, और हाई कब हो जो बुद्धि के इरादे में ज्ञान होगा, अगर बुद्धि के इरादे मेरा काम है क्रोध है लोभ है मोह है, मैं ये करूंगा मैं बदल एक छोड़ूंगा, ये अगर ये इरादे है मेरे तो फिर मैं दलील हूंगा खराब होगा। उनके लिए रब कहती है वो खुद काम है कामनों में मत तो जन्नत के ताले में, फसे जिनके दिल ऐसे अफवाल में गिरे ऐसे दौलत के जंजाल में, सवाब ही नहीं जिन पे काबू नहीं, क्यों अकले इरादे ही जब मारेंगे पूरी तरह मारेंगे पूरी तरह, हालात जिनके फतूर भरा पड़ा है पुथी में उनका मन बड़ा ही गंदा होगा, बड़ा ही गंदा, उनका मन में विकार ही विकार होंगे, और उनके अंगों से बड़े बहुता कर्म हुआ करेंगे। इसकी सबसे पहले जरूरत है बुद्धि को टिकाने लगाने की, जिसको गीता के कृष्ण ने कायम अकल कहा है, स्थिर प्रज्ञ कहा है, स्टैंड फास्ट इंटेलेक्ट मस्ट बी स्टैंड फास्ट, स्टैंड तो है पर फास्ट नहीं रहती। अच्छा स्टैंड फास्ट, अच्छा
गिनिंग होगी। गिनिंग हाँ, वो रोज नए नए लाभ हो जाएगी, नए नए लाभ, नए नए शाबाश शाबाश शाबाश। हका दूंगा आपको जानकारी करा दूंगा। अंग्रेजों को मैंने बताया ना, कई बार बड़ी तकलीफ हुई शब्द चुनने में, शब्द क्या चुने, मैंने कई बता दिया आपको, जो मेरी जानकारी है वो आप अपनी जानकारी बढ़ाते जाओ। एक जगह आपको बड़ी हैरानी हुई, क्या मेरी घड़ी 5 मिनट आगे हो जाती है, माँ ने पुत्र से अंग्रेजी नहीं बनती, शब्द क्या बना है, मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे हो जाती है। ये सेंटेंस है ना बच्चे, बाकी जो भाषाओं में था अंग्रेज हैरान हो गए। अगर उनकी सहज आप लैंग्वेज पढ़े, बड़े हंसते आप, बड़े हंसते। हमें कम से कम 1 साल लगाना पड़ा लैंग्वेज में, तो अब बड़े हैरान, अब करें क्या, अब इतनी सी बात अंग्रेजी इतने शब्द क्या बनाए, मेरी घड़ी 5 मिनट आगे जाती है, या दूसरी अंग्रेजी का बनाए ट्रांसलेट क्या करे, मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे जाती है। सोचते रहे, एक लंबा समय गुजरता गया, समझ ही नहीं आती क्या करें क्या करें क्या करें। एक किसी रिटायर्ड टीचर तो कहीं और लगा हुआ, छुट्टी दे दी यूनिवर्सिटी में लग गया था रिटायर जाने के बाद, तो मैं छुट्टी दे दी, मैं अपने देश का अन्न खाया है और रिटायर हुआ, मैं जब तक ये ढूंढ नहीं निकालूंगा कहीं रखूंगा आगे अपने, और अटैरी खाऊंगा रोटी और वो भी लाइफ देश लूंगा और इस पर विचार करूंगा। तो फिर देर से वेल जरूरत पिए तो वे भी निकल आएगा, जा जा हमारा राम निकाल दूंगा। एक लंबे समय के बाद उनके गार्ड ने, हमारे कृष्ण ने उनकी सुन ली, केवल मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ गई। फिर यूनिवर्सिटी में आके और कॉलेज स्कूल में आके बता दिया कि ये जो प्रॉब्लम खड़ी हुई थी कोई बता नहीं सका, मैं बताता हूं। आखिर मान लिया गया बिल्कुल ठीक है, मेरी घड़ी 5 मिनट आगे हो जाती है, माई वाट गेन्स नफा कमा लेती है। हाँ, उन्होंने गेनिंग बनाया केवल, माई वाट गेन्स 5 मिनट। अब मेरी गई 5 मिनट में माई बात दूसरी दिन 5 मिनट, और वाह और वाह माने पुत्रो, और कोई अंग्रेजी नहीं थी सिवाय दो शब्दों के, तो पास और कोई शब्द नहीं, गेन्स एंड लूज। हमारी बुद्धि एक बार ज्ञान को गेन करे लूज का सवाल ही नहीं देता, जिसकी घड़ी आगे हो जाती है पीछे तो नहीं होगी। ये भी एक बीमारी है, जब टाइम थी 5 मिनट आगे हो जाती है, आज 5 मिनट आगे 5 मिनट हो रखे 10 मिनट हो जाएगी, फिर 15 मिनट तो आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन बुद्धि का सवाल नहीं, नॉलेज का सवाल कुछ और है। अगर एक बार नॉलेज में गेनिंग हो गई, उसका इफेक्ट माइंड माइंड वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, मन में बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। वाह वाह वाह। अब अगर बात कोई दुर्घटना घट गई या आपके फेवरेबल नहीं है, ओवर बीटी हो अनफेवरेबल सर्कमस्टांस से हो गए, आपको असर नहीं होगा। असर तो मन पे होना था, जैसे सर्दी बढ़ती है तो आप क्या कर सीजिए, कोट पहनो तो आपने बंद कर दिया, आप क्या करोगे स्वेटर अंदर एक और पहन लोगी, और सर्दी बढ़ गई एक ऊपर कोई और मोटी चीज पहन लोगी। यही करते हैं ना कि आप गर्म कपड़े पहन के सैर करने की अपनी स्किन की ताकत बढ़ाएं, स्किन पे मोटे मोटे कपड़े पहनिए गर्म, तो हवाएं तो ठंडी आएंगी और हमारी छाती के साथ हमारे अंगों के साथ छुएंगी, उसके प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों हम गर्म कपड़े बढ़ाते जा रहे हैं? वेरी गुड। इसी तरह जिसका बुद्धि में ज्ञान बढ़ता जा रहा है, हाँ उसके माइंड पर इफेक्ट कम पड़ेगा, क्योंकि उसके माइंड की थिंकिंग हाई ग्रुप का। आज के जमाने में मैंने अभी अभी कहा, इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा है ज्ञान की शास्त्रों की, लेकिन हाई थिंकिंग नहीं है, इसलिए सुन सुना कर भी अनजान। ये किसने कह दिया, ये गीता के शुरू में कहा कि मेरी गीता को सुनाएगा कौन, मेरी गीता को समझेगा कौन, क्यों सुन सुना कर अनजान रहेंगे, अर्थात अपनाने वाले नहीं होंगे। आप नए से बनना, दूसरे बैठ के शुरू में भगवान ने रोया है, कोई आत्मा से तथ्यों में आए, कोई बात हैरत से उसकी सुनाए, कोई जिक्र सुन सुन के हैरान गए, मगर सुन सुना कर भी पढ़ पढ़ा कर भी अनजान, सुन सुना कर सुखे वो अपनाना नहीं, सिर्फ बुद्धि में तो रख लेंगे भगवान ने ये कहा है, भगवान ने ये कहा है, कि भगवान ने ऐसा कहा है। और कभी ये भी कहना, ओए मां से पुत्र, जैसे अभी बेटी से कह रहा था, ओए मन तू जो कह रहे भगवान ने ऐसा कहा है, हाँ तो तूने इसको अपनाया भी है कि नहीं, तूने इसको डाला भी है कि नहीं, वह मन शर्मिंदा हो जाएगा। तो तू जो कह रहे भगवान ने ये कहा है, हाँ तो तूने फिर अपनाया क्यों, अगर तू श्रद्धालु हो तो
फिर जीवन में ढाला क्यों नहीं? मुझे फिर अपनी घटना याद आती है, स्कूल के अंदर दसवीं क्लास में जब आप पास नौवीं से पास और दसवीं में गए तो सर्दियों की बाहर आई तो हमने मैंने देखा कि कई स्टूडेंट गर्म कोट पहन के, तो कोट भी नहीं कोई पहनता था, घुरबा वो गर्म कोट पहन के आ गए, तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं छह नहीं आठ दस ने कोट पहने हुए थे, धीरे करके बारह हो गए, चौदह हो गए, पंद्रह हो गए, कोट पहन के हमसे नहीं आ गया। हमने भी अपने पिताजी को पकड़ा, पिताजी स्कूल में हमारी क्लास के अंदर पंद्रह सोलह स्टूडेंट बड़ा सुंदर कोट पहन के आए थे, इसका मुझे गर्म कपड़ा बड़ा सुंदर बना हुआ है, अगर आप चाहे तो चली मैं राम प्रकाश को दिखाता हूँ, बड़ा सुंदर उसने कोट बनाया है। फिर क्या हो गया, क्या देसी हो गया, तो मुझे नहीं बना देते तुझे क्या? कोशिश तो यही पिताजी कंजूस थे, तो कंजूस क्षमा करे मैं मुंह से कह गया, आप बताना नहीं चाहिए था, मैं बता जाता हूँ सारी बात। तो चाहते यही थे कि जिस तरह हो जाए कहा जाए, लेकिन आकर जेल करता रहा, कहने पिताजी उन्होंने पैदल थे तो मेरे भी पैदल, पिताजी मान ही रहते मेरे मन में खट्टा मीठा क्रोध आ गया, खट्टा मीठा क्रोध, माँ बाप तो खट्टा मीठा आता है, बाप के मतलब मुख्य दिखा दे जब मुझे कर दे माँ बाप पर खत्म। पिताजी मेरी बात सुनो, क्या ये गरीब वाले कहती है तेरा प्यो बड़ा अमीर है, ये चंगे अमीर ही है, मुझे कोट ही नहीं चला देता। बस पिताजी के पास लाजवाब कोई पुत्रा इसी समय चल और बाहर चल, जब राम का लिखा था तो कपड़ा लिया चलाया था, गरीब वाली कहती है सब क्यों बड़ा अमीर है, क्या चंगे अमीर हो, इसको इन्होंने कोट ही नहीं चला देते। ऐसा बात इसी तरह मन को मन तू कहता भगवान ने देखा फलाने ने देखा ये कह रहा हमारे महात्मा जी ये कहते हैं ये क्या बात है, अगर तूने ना पाया ना तो तुझे क्या पता, अगर मेरा बाप अमीर है और मुझे मौके पर खर्च करके नहीं देता कोर्स लाया था तो मेरे लिए क्या अमीर हुआ। पिताजी शर्म का वो तो इसी वक्त चल तू ये शब्द किसी और को कहेगा और मुझे मेरी बेइज्जती कराएगा, तो अभी मैं दिखला जो राम काशी में घर से ले गया उसको हमने साथ ले गया, वो दुकान से ले गया इस दुकान से ले गया, अच्छा आप आगे है कि कपड़ा मेरे पास और ये दर्जी बैठा हुआ है, ऐसा बात तू जब हमारे पास बुद्धि में इतनी जानकारी है तो मन में भी आ जाने चाहिए, हमारे कर्म भी हमारे मन में भी उतर आए, करो कदर अपने भगवान की वाणी की, करो कदर गीता की चोटी के बोल की। अब आपके मन में ज्ञान आएगा तो हाई फिंगर, मैंने अभी भी कहा मन में आ जाए तो हाई फिंगर उठाती है, अगर आपकी सेहत बन जाए तो गाली लाल हो जाएगी, जो दसी बड़ी अंदर है हाँ शरीर को सेहत वाला हो जाएगा, छाती में ताकत आ जाएगी, ये पूजा जो दुबली पतली बड़ी फिरती हो और पैर जो आपके हिरण के पैर के करेंगे नहीं अच्छी सेहत बन जाएगी, हर एक कहेगा देख सेहत अच्छी बन गई है, ये पर होने का दी है। इस तरह जब हमारा मन सुकाम हो जाता है तो सर्कमस्टांसेस या हालात कुछ भी आए मुकाबला कर देगा, और फिर भगवान ऐसा भगवान मैं आपको कहां से ला दूं, ऐसे भगवान में और कोई नहीं ला सकता सिवाय इसके, वो तो भाभी उसकी तंग आ गई थी तेरे लिए मैं कहां से लाऊं तेरी पत्नी जिसको तू पत्नी बनाए, इतनी ढूंढ के लिए फिर भी तेरे नखरे या तुझे ताना मारा था, ऐसी मऊ मैं कहां से लाऊं, तो ऐसे अच्छे भगवान में और कहां से लाऊं जो ये कह रहे अगर तेरे मन पे असर ना पड़ा वो इनका असर जिस पे इनका नहीं खुशी से जो खुश हो रहा हमसे अजीज सो रंजन है कायम दिन उसका बना भगवान की तरफ से राम उसी का छाया हया मैं उसे मुक्ति प्रदान करता हूँ मैं उसे दुखों से छुड़ा देता हूँ, ये भगवान का पुरस्कार, ये हमारी गवर्नमेंट पुरस्कार देती है कोई निराला काम करे तो देश के लिए कोई बड़ा अच्छा काम करे, तो आप अंग्रेजी में लिखा था छान से लिखता अपना नाम के नीचे गवर्नमेंट, किसी के फर्म को अवार्ड मिले तो वही बड़े मोटे अक्षरों में अपने साइन बोर्ड पे लिखेंगे अवार्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अवार्ड, तो ऐसे को भी अवार्ड मिल जाता है किसकी ओर से भगवान की ओर से, हयाती दवाम का बार बार न जमना न बार बार मरना, हमेशा रहने वाली जिंदगी अर्थात जो मौत का मुंह नहीं देखे ही उनको भी जाता है वो भाई अब जो है आवे हया, ये इनाम दिया भगवान ने जिनके मन मजबूत या तो मतलब क्या जिन पर बाहर का असर ना पड़े, हालात तो उल्टे पुलटे हो गए लेकिन आपने असर नहीं हुआ, हाँ कोई धाका धाका पड़ा आपने असर नहीं हुआ, लड़की तो मेरी माँ है हाँ रूठ के जाएगी कहाँ, आकर फिर से हमारे पास ही तो आना पड़ेगा,
आप ऐसा ही छोड़ बीमारी आई क्या हो गया जो मेरे को गर्म किया उसको भोग लूंगा आए लेकिन असर नहीं हुआ दुख कब दुख है सुनिए जरा मैं नजदीक आया हूँ आपको बड़े प्यार से धीरे करके एक एक पैर चला चला के सिखा रहा हूँ आपको सुकून फीडे करती है माँ एक एक चमचे में जूस भर 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 के पहले ये मुझे मुझे कोई बनी थी ये बीबे बुबे तो अब बन गई हमारे पास कोई भी कोई बुद्धि माँ ने अपनी जान से लिटा लेना अभी तक मुझे याद है हाँ और रिश्तेदार के एक हाथ से यूं कर लेना एक हाथ से कोली से चमचा भर भर के यूं डाली रखना ये भी सुकून लेडी भी बोलते सुकून फीडे अब तो अपने घर के काम भी करती रहो और बच्चे के हाथ में बना दे बच्चा चूस ही जाएगा चल तो बच्चा आपने मस्त खाट गिरी हुई है और एक इसको घोट भरी जा रहा ये तो आजकल बहुत बन गई हमारे पास पीछे नहीं था एक को बैठना पड़ता था ला एक एक चमचा भर भर के जाबर तो मैं तो आपकी स्पून फीडिंग कर रहा हूँ भगवान का एक एक शब्द खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ इधर आपके अंदर बैठ जाए अंतर कर्ण में बैठे मेरे भगवान मेरे पे पड़े ये मुझे लोभ है कि मेरे भगवान इस रूप में मेरे पे खुश हो कि जितना उन्होंने मुझे समझाया इतना मैंने आपको समझा दिया ना केवल समझा दिया बल्कि आपके अंतर कर्ण में बिठा दिया भगवान बड़े खुश होते देखो कितना आदर दे रहे हैं मुझे कितना प्यार दे रहे अगर ये आप मुझे कामयाब करें तो प्रगत की आपको बता रहा है वो मुझे सारी दुनिया से पर कब जब आप बिठा दे अपने मन में भगवान मुझे ये ही कहा सुना दे उनको समझा के बिठा दे उनके राह में चला दे कमान मन मजबूत हो गया हाँ अब्बा के हालात उल्टे उल्टे होंगे असल कोई होगा प्रभाव ही चलता नहीं पड़ेगा ये हो गया सही रूप में ज्ञान का लाभ तब भगवान को क्या कहना पड़ा तत्व था मेरे प्यार के दुख दूर हो जाते ये नहीं कि दुख आएंगे नहीं आएंगे समय थोड़ा रहेंगे और उनके असर नहीं ये ना कोई उनके घर में तो मरेगा ही कोई नहीं या उनको बुखार नहीं होगा होगा या उनका फाड़ा ये नहीं होगा या आपने कहा आपको तो कष्ट आना ही नहीं चाहिए क्यों 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 किस किस आधार पर आपने कहा मुझे नहीं आना चाहिए तो आप तो इतना भजन करने वाले गए अकेले गए हम तो पापी जीवड़े गए हाँ आप भी पापी मैं भी पापी फर्क कितना है किसने दस आने पाप किया किसने चार आने पाप किया पाप तो दोनों ने किया आपने दावत से सुनी चोरी कख दीवी चोरी लख दीवी चोरों के नाम में जो आएगा अगर मैंने पूरे सुकर्म किए होते तो जन्म ही ना होता तो पहले कहे मुक्त अगर मैं इस संसार में आया हूं तो कुछ हरे कर्म ज्यादा है पूरे कर्म सबके थोड़े हैं इसलिए तो हमने जन्म लिया है जो कोई शिफा नहीं रब के साथ अगर कोई कष्ट आता भी है वो भगवान में साफ करना चाहता है वो तो हमें निर्मल करना चाहती है ये थोड़ी बहुत है ये भोगी जा आसपास के फिर हमें मंत्र बनाया पाया भगवान ने बड़ा अच्छा मंत्र पढ़ाया अगर मन कुछ मजबूत नहीं हुआ तो एक मंत्र मेरे से ले लो मेरे से नहीं भगवान का मंत्र है एक मंत्र दिया भगवान ने असर ना हो क्या क्या बचा दिया थी आनी जानी थी सहेजा खुशी थी मन अगर कोई कष्ट आ भी गया मनवा घबरा नहीं हाँ अगर वो सुख वाले दिन नहीं रहते सुख वाले दिन नहीं रहते इवन दिस विल पास अवे इवन दिस विल पास अवे डोंट वरी क्यों चिंता करता है ये भी नहीं रहते मन को डर बन जाएगा जैसे जैसी छोटी बहन को पता लगा मेरी बड़ी बहन को कष्ट आया भागी भागी दिल्ली से आई निपट गए आपके साथ बहन को घबरा नहीं बिल्कुल मैं अपने पति देव डॉक्टर सुजान सिंह को साथ लाई हुई और कई चीजें भी वहां देती राय लेके आई चीज को डरी है कोई बात कितना धर्म पता जब वो गिले लगी और रो पड़ी तेरे गले में लग के जैसे सगी माँ तेरे गले के साथ लग गई माँ तो मर गई है पर तू मेरी बहन माँ का दुख आपका आधा कम हो गया जब उसे तेरे पास आ गई मैं हिलूंगी भी नहीं जब तेरे दुख ये तेरी बीमारी दूर हो जाए मैं छुट्टी लेके आई तो दस दिन की छुट्टी लाए मैं तब तक छुट्टी लेके आई हूँ जब तक तेरा दुख नहीं हो ऐसा तो अगर ये हमारे पास मंत्र है भगवान का क्या अगर आप ही गया मनवा घबराता क्यों है मन को समझा दीजिए घबराता क्यों है तेरे को कर्मों का फल आया है थोड़ी देर रहना फिर चला जाना भाई भाई बहुत अच्छी बहुत क्या कहती आनी जानी है ये उस मौके पर काम जब मन आपका गिर रहा हो ये कहती है ये दुख सुख ये आने जाने वाले का है सहेजा भगवान कहते हैं सहेजा खुशी से तो असर नहीं होना चाहिए था अब अगर असर हो रहा सुनी मेरा मन कमजोर है बेटी अगर सर्दी लग रही है ना हट ना करो बीमार हो जाओगे एक शटर पहन ले मारो काट सुंदरता को मैं मोटी मोटी लगूंगी तो क्या हो गया अगर बीमार पड़ गई डॉक्टर से बीमार पड़ी जाएगी वो मोटी लग रही थी वो अच्छी मैं शटर पहन लू या कोई और गर्म चीज चला दू हाँ इसी तरह अगर आप जब आता सर्दी करना हो अगर दांत बचती है इधर यू होता है शरीर आपका कांपता है तो शटर जरूर पहने
जब चार शर्ट पहन पड़े कमान, अगर यह पसंद ना होता आपने इतनी बुद्धि से मन उतारा होता, अगर दुख का असर हो रहा है, हालात कुछ बिगड़ गए हुए हैं और प्रभाव पड़ रहा है, तो आइए मन को समझे, किसी को समझे, देर टाइम क्यों प्लीज इंस्ट्रक्ट माइंड क्या कहती कहते ही नहीं सहे क्या खुशी से तेरे तेरे गाइड कह रही है, तेरे सर्वस्व कह रही है, सहन कर हाँ बर्दाश्त कर, ये रहेंगे नहीं, आए और गए दुख सुख मेहमानों की तरह गए, हाँ ये आए ठहरे गए समझे, आए ठहरे गए, हाँ एक कवि ने कहा है कहते मैं खुशी क्या कर दू, मेहमान और मछली की ये खून खून कहते आदत बेटे, खून उर्दू शब्द है, खा में बड़ी ऊंची मात्रा ऊपर चलता रहा और बेटे चलता रहा कर दो, खून बन गया खून, खून नहीं मेहमान और मछली की ये है खून, मेहमान की और मछली खाने वाले जो घर में रखती है, ये मछली क्या ये स्वभाव है और मेहमान का भी, मेहमान और मछली की ये खून आने लगे घर में तीसरे दिन खून, मेहमान तीन दिन गहरे वो आती है मछलियां तीन दिन गहरे वो आती है, क्या कभी तेरी माँ जिंदा रहे एक पुत्र हो पैदा कर पाए, मेहमान और मछली की ये है खू आने लगे तीसरे दिन, तो क्या हो गया अगर तो खा भी गया तो तीन दिन रह के इसमें भाग जाता, मतलब इसमें वो आ जाती है, मन को समझा दो और मैं इसीलिए आया हुआ हूं, मैं आपकी गिरते हुए मन को उठा लू, शरीर से गिरते हुए तो कोई उठा लेगा लेकिन मन से गिरते हुए मैंने ठेका ले रखा है ना आपका, उठा लू ज्यादा गिरेगे आप उसी वक्त अपने विचारों को दे दिया करें, मैं फिर कह के खामोशी ले रहा हूं क्या ये बड़ा अच्छा मंत्र बाबा ने दूसरे अध्याय में दिया, जितने भी है आनी जानी है ये सहेजा खुशी से, इसलिए हमारे प्रभु हमारे इष्टदेव जी हमारे ठाकुर जी क्या कह रही गए, मेरे भक्तों के जब तुम्हें पाप दुख दूर हो गए संकट टल गए उनके मन की खटपट क्या हो गई दृष्टि दृष्टा गजंती, अतः गोविंद हार्दिक धन्यवाद हार्दिक आशीर्वाद।